बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूँ शाहजहाँ। मैं आपको शाहजहाँ सिस्टर किचन कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर वेलकम कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही बहुत मज़ेदार टेस्टी ठंडी ठार कोकोनट आइसक्रीम की रेसिपी, जो बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी तैयार होती है। चलिए मैं आपको बताऊँगी कोकोनट आइसक्रीम बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। 2 कप मैंने व्हिपिंग क्रीम के लिए है, 1 डब्बा मैंने फ्रेश क्रीम का लिया है, हसबेंड जरूरत मैंने नारियल का पानी लिया है, 1 प्याली मैंने कंडेंस मिल्क की ली है, 1 प्याली मैंने कोकोनट मिल्क लिया है, 2 टीस्पून मैंने मिल्क पाउडर लिया है, 2 टीस्पून मैंने पिसा हुआ नारियल लिया है, छोटे पीसीस में कटे हुए हसबेंड जरूरत मैंने नारियल लिया, ये मैंने गार्निश के लिए लिया है, 1 प्याली मैंने नारियल लिया है पीसीस में, ये मैं आइसक्रीम में शामिल करूंगी। अब मैं आपको बताऊंगी कोकोनट आइसक्रीम मैं किस तरह तैयार करूंगी। पहले नारियल को ग्राइंड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नारियल का पानी शामिल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोकोनट मिल्क शामिल कर लेते हैं, मिल्क पाउडर शामिल कर लेंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। मैं पेस्ट बना लिया, अब मैं क्रीम को व्हिप करूंगी। ये बहुत मजे की और बहुत टेस्टी तैयार होती है कोकोनट। वैसे भी सभी को पसंद होता है, बड़ों बच्चों को सभी को। आप अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनती है। इसमें किसी तरह का एसेंट वगैरह मैंने शामिल नहीं किया, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे आपको मेरी न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप मेरी रेसिपीज़ को लाइक और शेयर किया कीजिए फैमिली फ्रेंड के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि मेरी रेसिपीज़ और लोगों तक भी पहुँच सके। आप मेरी रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, ताकि मुझे मेरी हौसला अफजाई हो और मैं मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ लेकर आ सकूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ्रेश क्रीम शामिल कर लेंगे। बीट कर लूंगी। अच्छे से करी मिक्स होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कंडेंस मिल्क शामिल करेंगे। कंडेंस मिल्क अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं, इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल किया है। अब अच्छे से कंडेंस मिल्क को फिर से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नारियल का पेस्ट शामिल करेंगे जो हमने पीसा था, ग्राइंड किया था, ताकि अच्छे से मिक्स हो।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पिसा नारियल शामिल कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से ऐसे। इसे बीट कर लेंगे। मिक्स हो गई, बीट हो गई। बिस्मिल्लाह रहमान, छोटे छोटे पीसेस काटे थे वो शामिल करेंगे इसमें। थोड़े से ऊपर शामिल करेंगे इसमें, थोड़े से हम अंदर शामिल करेंगे, कर लेंगे इसे। अच्छे से मिक्स हो गया। अगर आप चाहते हैं तो इसके अंदर आप ड्राई फ्रूट भी शामिल कर सकते हैं, आप पिस्ता भी शामिल कर सकते हैं, आप बादाम भी शामिल कर सकते हैं। आप जो शामिल करना चाहते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक आप शामिल कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा पिस्ते का गार्निश करूंगी इसके ऊपर। कोकोनट आइसक्रीम तैयार है, अब मैं इसे आइसक्रीम बॉक्स में डालूंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, नारियल डालेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पिस्ते गार्निश कर लेंगे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं, किसी भी ड्राई फ्रूट से आप गार्निश कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं कर लें, वरना आप स्किप कर दें। आइसक्रीम तैयार है, अब मैं इसे ओवरनाइट के लिए फ्रीजर में रख दूंगी। फिर मैं इस तरह की तैयार हुई है। मैंने ओवरनाइट के लिए कोकोनट आइसक्रीम को रखा था। आइसक्रीम रेडी है, मैं आपको इसे डिश आउट कर दिखाऊंगी। बस कोकोनट आइसक्रीम तैयार है। अगर आपको ये कोकोनट आइसक्रीम की रेसिपी पसंद आई है तो इसे अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। इस कोकोनट आइसक्रीम की रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे आपको मेरी न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अब इसी के साथ मैं आपसे ज्यादा चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।